नमस्कार मतांतर को स्वागत करुछी मु शक्ति साई मिश्र जो भली भाव में 2008 कंधमाल दंगा प्रसंग उठी एवं से विजु जनता दल जड़े सांसद और स्वर्गत बापांकर भूमिका को कांग्रेस विवाद भितर को टाणी एवं एने की प्रश्न उठाई एवं ए घटना को ये गत 14 तारीख रे प्रश्न उठाई थिला कांग्रेस एवं 18 तारीख ये घटना उठवा परठु विभिन्न महल रे कांग्रेस जो कथा अभियोग आनी थिला से कथा को मोहर लगाई विभिन्न वर्ग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद एवं सेते बले एक कंधमाल हिंसा मामला को लेकिन जो माने संप्रुक्त थिले ये विचार प्रक्रिया सहित तो जो माने जड़ित थिले अधिकांश ए कथा को लेकिन कांग्रेस जो कथा उठाई से समान कथा को दोहराई सारी किंतु आश्चर्यजनक भाव में विजु जनता दल ए प्रसंग में मुह खोलुना दंगा निरवता को लेकिन बड़ प्रश्न छिड़ाई विजु जनता दल ना निजे सांसद ए प्रसंग में कौन स्पष्टीकरण रखुंट ना विजु जनता दल ए प्रसंग में कौन स्पष्टीकरण रखुच्ची विजु जनता दल रुखपात्र प्रसंग में पचरा गले से आश्चर्यजनक भाव में निरवता अवलंबन करुं तो दंगा निरवता वर्तमान विजु जनता दल भूमिका को संदेह घर को आनी ए प्रसंग रही आज मतांतर आलोचना आम सहित पैनल रे जोड़ी होती महेश साहू आम सहित अच्छा जे कि विश्व हिंदू परिषदर राज्य उपसभापति आम सहित अच्छा राजीव पटनायक कांग्रेस नेता आपण समस्त स्वागत करुच्छे तेरे 2008 कंधमाल दंगा जहाँ को लेकिन विवाद घर को आसी विजु जनता दल राज्यसभा सांसद तथा राष्ट्रीय मुखपात्र एवं पूरा दल ये विवाद घर को आसी 2008 कंधमाल दंगा जहाँ कि स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को जो भली भाव में विभत्स भाव में अमानवीय भाव में जन्माष्टमी राति हत्या करागला एवं माओवादी माने हत्या करागला एवं एथिरे स्पष्ट भाव में अभियोग आसला एवं अनेक एक स्वीकार करे एटा ईसाई मिशनारी जो माने थिले एवं माओवादी से मानकर मिलित भाव में गोटे षड्यंत्र कारण स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती सेठी जो रही थिले आदिवासी से मानकर सेवा कार्य सेठी करुथिले से अंचल लोक मानू सेवा जोगाई आसुले झीव मान मगणार शिक्षा प्रदान करुले लोक मानू सनातन धर्म संस्कार संपर्क शिक्षा दौले जो कि से अंचल ईसाई मिशनारी माने से मानकर नेटवर्क को आगक नहीं पार नथिले आगे गोटे बड़ बाधक ही छिड़ा होते स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती पूर्वर तुम आक्रमण करने उद्यम करा किंतु से बर्ती जाते शेषे माओवादी मानू हाथ मुठा कर ईसाई मिशनारी माने हत्या करथिबा अभियोग आसला जहाँ को नहीं कि कंधमाल रे हिंसा सृष्टि हला यार प्रतिफलन स्वरूप एवं ए घटना रे विजु जनता दल सांसद और स्वर्गत स्वर्गवासी बापांकर भूमिका को लेकिन कांग्रेस प्रश्न छिड़ा करथिला एवं विवाद छिड़ा करथिला जे प्रसंग रे विजु जनता दल निरवता को लेकिन आज प्रश्न मु प्रथम राजीव बाबू आपण प्रतिक्रिया आणवा को चाहिए इस प्रसंग में आपण दल ए प्रसंग को लेकिन जिते प्रश्न उठेला आज पर्यंत विजु जनता दल ए प्रसंग में मुह खोलुनि निजे ना सांसद मुह खोलुंट ना दलर मुखपात्र माने एक कथा जिते बड़े अरगस पचारे आश्चर्यजनक भाव में निरवता अवलंबन करुप हो जाती पार्टी बंद हो जा जो माने कि विभिन्न प्रसंगे शाणित आक्रमण करने पछघुंचा दियंती ना विरोधी मानू कहीं प्रसंग में एत निरवता अवलंबन करुँचारण यार गुमर रही कांग्रेस जिते बड़े एक प्रसंग उठेला ता परठु विजु जनता दल चुप पड़ जाए राजीव बाबू शुणी पार राजीव बाबू आपन को प्रश्न शुणी पार ओके
राजीव बाबू परवर्त समय फिर भी मुझे महेश साहू पाक जावाक चाहिए विश्व हिंदू परिषद राज्य उपसभापति आम सहित अच्छा श्रीत महेश साहू आपण ए घटना जिते बड़े कांग्रेस उठेला परवर्त समय आपण ए कथा को सामना को आनी थिले एवं कही थिले जे से समय किभली विवादीय भूमिका थिला क्रिश्चियन मिशनारी मानकर एवं सेते बेले क्रिश्चियन मिशनारी मानकर नेतृत्व नौथिले वर्तमान राज्यसभा सांसद कर स्वर्गवासी पिता एवं सेथिरे तांकर भूमिका कथा आपण मध्ये उठैथिले एवं कांग्रेस जो कथा उठैछि जो कथा आपण कहि आसुछंती तो से कथा को नै कि ना वर्तमान पर्यंत निजे सांसद यार खंडन करुछंती ना बिजू जनता दल मध्ये प्रसंग रे कोनोसी मुह खोलुछि या अर्थ कोन देखंतु आपण जो कथा उठैछंती राज्य सरकार 2008 मसिया ठारु एजावत पूरा संदेह घर रे अछंती तार कारण कोन ना स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को हत्या हबा एवं तत्परवर्ती दंगा और दंगा पर दुई दुईटी कमिशन स्थापन हला एवं से कमिशनर का आगे जथा महापात्र कमिशनर आउ पाणिग्राही कमिशनर यांको सामनारे लोके सत्यपाठ दाखल करिचंती वर्तमान राज्यसभा सांसद श्री सस्मित पात्रंकर बापा स्वरूपानंद पात्र एथिरे इनवॉल्व एथिरे तांकर संपूर्ण भाव रे योगदान अछि षडयंत्र से सामिल अछंती एकथा सत्यपाठ रे कहिला परे मध्य तार इंक्वायरी न होबा एवं दुई दुईटी कमिशनर रिपोर्ट सरकार को प्रदान कला परे मध्य ताकू सार्वजनीन न करिबा एवं स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जो माने प्रकृत हत्याकारी आज पर्यंत से माने बाहरे बुलिबा एवं जो किछि लोकंकु सेमाने अरेस्ट करितिले सेमाने एबे बेल रे आसिकरी बड़ मौज रे बुलुचंती बाहरे अर्थात तो कोठी ना कोठी एक कथा निश्चित भाव रे स्पष्ट होउची जे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वतींकर हत्या एवं तत्परवर्ती दंगा को सरकार आदौ गुरुत्व दौनाहंती एवं आकु गोटे प्रभाव शून्य करिबा पाई एवं गोटे सारा हिंदू समाज को उपहास करिबा पाई से भली घटनाक्रम करिचंती एवं कांग्रेस तरफ रु जो खुलासा हैला जे एथिरे केवल सस्मित पात्रंकर बापा स्वरूपानंद पात्र नथिले एथिरे निजे सस्मित पात्र मध्य समपरिमाण रे दायी एवं से निजे एथिरे थिले ये तो बहुत कुहाड़िया ये तो बीजेडी रो राष्ट्रीय मुखपात्र अनेक प्रसंग रे बहुत बड़ बड़ कथा प्रेस मीट करी कहंती एते दिन हलानी कांग्रेस रो एड़े बड़ अभिजोग तापरे भी कोठी सस्मित पात्र अछंती एपर्यंत काहीकि से आसिकी स्पष्टीकरण दौनाहंती विजु जनता दल जी क्षमतार अच्छी जहाँ उपर अंगुली निर्देश है जी सामान्य सामान्य कथार प्रेस मीट करी साणी तो आक्रमण करे तांकर मध्य मुखपात्र माने चुप अर्थात तो मते लागुची एटी से माने प्रमाणित करुचंती जे विजु जनता दल परोक्ष भाव रे घटनाक्रम रे अछि आ सस्मित पात्र तो पूरा को पूरा दायी एक निरवता ही प्रमाणित करुची आमको अधिक किछ कहिबार आवश्यकता नै निरवता ही प्रमाणित करुची कि जे कांग्रेस जो अभियोग आनीथिला सेथिरे सत्यता रहिछि जो कथा श्रीत महेश साहू कहिले नहले ममिता मेहर हत्या घटना रे विजु जनता दल को डिफेंड करिबा पाई दिव्यशंकर मिश्र को डिफेंड करिबा पाई जो मुखपात्र एते मुखरित होउथिले से काहेकि हठात चुप पड़ जाइछंती से दल काहेकि चुप पड़ जाइछि ए प्रश्न उठाउछंती कांग्रेस एवं बीजेपी ठारु आरंभ करी श्रीत महेश साहू एवं तमाम लोक ये प्रश्न उठाउछंती मु राजीव बाबू को पाखु आसिबा को चाहिबी राजीव बाबू जो कथा कांग्रेस अभियोग आनिला आज पर्यंत बीजेडी से प्रसंगरे चुप निजे बीजेडी रो राष्ट्रीय मुखपात्र तथा राज्यसभा सांसद प्रसंगरे मुह खोलु नाहंती विजु जनता दल मुखपात्र मानंकु पचारिले सेमाने मध्य साप सुंगीदेला भलिया सेमाने नीरवता अवलंबन करुछंती पूरा चुप प्रकृत रे या पछरे कौन एभली कारण रहिछि ये जो अभियोग जहा गोटे विस्फोरक परिस्थिति सृष्टि करछि विजु जनता दल भितरे जो थी कि टिके टिके प्रसंगरे विरोधींकर सामान्य सामान्य अभियोग रे जो दलर मुखपात्र माने आगुकु डेई पड़ती सांगे सांगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिकि एकु डिफेंड ताकु डिफेंड करिया पाई दल को डिफेंड करिया पाई दलर नेता को डिफेंड करिया पाई से माने काहे कि नीरवता अवलंबन करुछंती देखंतु जेबेठु
ममिता मेहर सहित जो घटना घटी सेबेठु कांग्रेस दल ओडिशा रे विभिन्न जगह छात्र कांग्रेस युवा कांग्रेस महिला कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी संपूर्ण रूपे इश्यू को उठाई कौ भाई भाव में ममिता मेहर को न्याय मिल द्वारा विजु जनता दल संपूर्ण रूपे भयभीत हो घटनारू कौ भाई भाव में लोकंतर नजर हटेबाई विजु जनता दल बैकफुट को पलि प्रमाणित कर विजु जनता दल स्पोक्स पर्सन तथा राज्यसभा सांसद सस्मित पात्र मुझे विषय कहवाक चाहिए जे जेतेबेले 2007 मसीहा रे जेतेबेले कंधमाल अशांत होइतला सेतेबेले जेतेबेले कांग्रेस दल तरफ एक फैक्ट फाइंडिंग टीम होइतला सेतेबेले कोठी ना कोठी से चर्चा सब आसीतला एवं से फैक्ट फाइंडिंग टीम तार रिपोर्ट देइतला जे सेतेबेले रे युव कांग्रेस रे एक छोट पदवी रे थिबा सस्मित पात्र ताको बापा कोठी ना कोठी क्षेत्र संश्लिष्ट अछन्ति एवं परवर्ती स्टेज रे कांग्रेस पार्टी ताकु संपूर्ण रूपे पार्टी रु दूरे जिबा पाई मध्य परामर्श देइतरे ताकु बाहर कर देला भलिया कार्यक्रम होइतला जहाँ फल सस्मित पात्र आ कांग्रेस भवन कांग्रेस दल को आसुनथिले किंतु सबटु दुर्भाग्यर कथा होउछि 2013 मसिया रे जेतेबेले सस्मित पात्र एक स्टेटमेंट देइथिले जहाँ कि सब पेपर रे मध्य बाहर थिला सब प्रिंट मीडिया रे पायनर टू आरंभ कर सब प्रिंट मीडिया रे आस्थला जे बीजेडी रे जो वर्तमान चली छि बेईमान रक्त अछि नवीन लिगासी बीजेडी रे तार अर्थ नवीन पटनायक रक्त रे बेईमान अछि ए स्टेटमेंट देला परे सस्मित पात्र पूरी कौन एत दुर्बलता रहिला नवीन बाबू एवं बिजु जनता दल रे से भलिया मानसिकता रखुथिबा एक लोक को कोल बस राज्यसभा सांसद करके पठेले यहाँ तो ओडिशावासी आज बुझी पार ना बाकी रहिला सस्मित पात्र जो कथा कहिले तीन थर सांबादिक सम्मेलन रहिला ममिता मेहर उपरे दलर कौन सी स्पोक्स पर्सन जो मुह खोलें ना एमती कौन बैकफुट को विजु जनता दल गला जे दलर राज्यसभा सांसद स्पोक्स पर्सन तीन दिन धरी एक सांबादिक सम्मेलन करी कहिले जे भारतीय जनता पार्टी आ कांग्रेस पार्टी भितर नेक्सस अच्छी ए दुई जन मिसिकी ए आंदोलन को करुछंती आउ सबुट हास्यास्पद कथा कहिले जे भारतीय जनता पार्टी तो पैसा आनी कांग्रेस दल राजनीति करुछी मु कहिबाकू चाहिबी जहार राजनीति रे सामूहिक रुचि अच्छी जहार राजनीति रे सामूहिक ज्ञान अच्छी सी केबे हेले जिनस को कहिबो नाही जे कांग्रेस पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी नेक्सस अच्छी सारा पृथ्वी में समस्ते जानते भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी अलग कांग्रेस दल आइडियोलॉजी अलग किंतु एमाने एते बैकफुट रे अछंती जे निजको सेव करबा को जाई जो कथा राजीव बाबू आपण कहिले कौन से दुर्बलता से दुर्बलता कौन जो कथा कांग्रेस रो फैक्ट फाइंडिंग टीम जो कथा सामना को आनिला जो थी कि आपण कहउछंती जे तांको दुरेई देला कांग्रेस दल किंतु बिजु जनता दल तांको परवर्ती समय रे कोळेई नेला कौन थिला बिजु जनता दल रो फायदा एवं बिजु जनता दल रो की दुर्बलता रहिछि जो थी कि ए प्रसंग रे बिजु जनता दल ना मुह खोलुछि ना ए प्रसंग को डिफेंड करुछि एवं जो कथा अभियोग आसुछि जे दुई दुईटी कमिशन कर रिपोर्ट को सेथिपाय कि चापी दिया जाइछि दुई दुईटी दंगार तदंत कमिशन कर रिपोर्ट को सेथिपाय कि चापी कि रखि दिया जाइछि राजीव बाबू हेलो आज्ञा मु सही कथा जानी जो कथा आपन को मु गोटे कथा कहली आपन को मु सही कथा कहली जे जो सस्मित पात्र 2013 रे एक स्टेटमेंट कोट करथिले जे बेईमानी इन नवीन बीजेडी लिगासी माने नवीन बाबू को रक्त रे बेईमानी अछि ता परे भी जो नवीन पटनायक ताको राज्यसभा सांसद करी पठाउछथि ता परे भी जो राज्यसभा सांसद सस्मित पात्र आज कैप्टन दिव्य शंकर को प्रोटेक्शन दबा को नवीन बाबू को कथा रे आगु को आसी तार रीजन होउछि मु आपन को या कहिबि जे विजु जनता दल रे आपन फूड सप्लाई मिनिस्टर रणेंद्र प्रताप स्वाई अछथि किंतु आज ए विजु जनता दल जो माने विजु जनता दल रे सप्लाई मिनिस्टर भाबे रे काम करूछथि
जो मैंने विजु जनता दल रे शिशु मान को अपहरण करुछंती नारी को धर्षण करुछंती जो मैंने निरीह लोक को मर्डर करुछंती आज ये नवीन बाबू से मान को प्रोटेक्शन दउछंती काईकि ना ए पार्टी रा जो अंतर जो चली पार्टी भितर जो राजनीति चली कलुषित हो जाए जी अपहरण करू जी धर्षण करू जी मर्डर करू से मैंने आज से पार्टी रे रिवार्डेड होती तो आज सारा ओडिशावासी देखुछंती okay. नवीन बाबू को कौन आइडियोलोजी ना नवीन बाबू को कौन एथिक्स ना राजनीति में जिए एटी भल क्राइम करी पाइला जिए एटी भल पैसा पार्टी की फंडिंग करी पाइला सी आज नवीन सरकार रे रिवार्डेड हबो सेथिपाय कैप्टन दिव्यशंकर जड़े भल ओडिसा विजु जनता दल रे निहात रूपे बहुत भल काम किसी ताकर पार्टी भितरे करूतिबे जोति पाई के आज पार्टी ताकू एते से करप्शन रे मर्डर केस रे रेप केस रे ताले ना उठिला परे भी ताले 2008 दंगार रिवार्ड कहा को मिलला लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्यार रिवार्ड क्या मिलला राजीव बाबू शुणु लक्ष्मणानंद मर्डर केस रो आपड़ रिवार्ड क्या मिलला आज सारा ओडिशावासी जल जल हो देखा जा जहाँ बापा कंधमाल अशांत पक्षर जहाँ हाथ रहिला जीए नवीन बाबू को बेईमान कहला परे रक्त को बेईमान कहला परे राज्यसभा सांसद भावे रिवार्डेड करागला तो सारा ओडिशावासी को आगे आज जल जल पिक्चर अच्छी ओके सीत पट्टनायक आसबे आपण पाकु अति सांघातिक अभियोग पुणी राजीव बाबू आनिछंती सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ सबुठ आश्चर्य कथा हूँ विजु जनता दल ए प्रसंगे नीरव कहीं दलर मुहरे ताला पड़ी ए प्रसंगे कहीं दल स्पष्टीकरण रखुना एवं सीत महेश साहू मध्य अभियोग आज से दुई दुईटी कमिशन तदंत रिपोर्ट को दल चापी देनी तो प्रकृत या पछरे विजु जनता दल एवं दलर राज्यसभा सांसद भूमिका को लेकिन जो अभियोग आणला से अभियोग सत्यता को प्रमाणित करुच्ची कौटी ना कौटी दलर निरवता एक कथा आज अभियोग पुणि थे उठी लगातार भाव में आम चर्चा करसु जे एवं जो कथा कांग्रेस उठेला जे 2008 कंधमाल दंगा पचरे जहा कि नहीं जहाँ सारा भारत नुहे सारा विश्व चर्चार विषय पलटि स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को विभत्स भाव में हत्या करागला जड़े संथ जे कि सेठी आदिवासी बालिका मानकर शिक्षा पाई काम करुथुले जे सेठी सेवा कार्य करुथुले एवं तांकु हत्या कर दियागला षड्यंत्र करा जाए कि जोथिपाई कि विजु जनता दल राज्यसभा सांसद कर सीधासलख भूमिका कथा उठाई कांग्रेस तांकु विवाद घर को टाणी थिला किंतु विजु जनता दल एवं निजे सांसद प्रसंगे कहीं मुह खोलूना कि प्रश्न उठी बेले राजीव पट्टनायक कांग्रेस नेता आहुरी सांघातिक अभियोग आनिछंती 2008 कंधमाल दंगार भूमिका पाई दल तांकु पुरस्कृत करछि एक कथा अभियोग आनिछंती राजीव पट्टनायक एवं महेश साहू आम सहित अछंती राज्य संपादक विश्व हिंदू परिषद एवं तांकर कहिबा कथा सेथिपाई राज्य सरकार कंधमाल तदंत कमिशन कंधमाल दंगार जो दुई दुईटी तदंत कमिशन तार रिपोर्ट को चापी दिया जाइथिला अर्थात च्युत महेश साहू आपण कहिबाकु चाहूछंती जे ये विजु जनता दल स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या एवं हत्या परवर्ती दंगा एवं ये पूरा कन्स्पिरेसी भितर दलर भी गोटे भूमिका अच्छे दलर स्वार्थ थिला जोथिपाई कि एक निज दलर जे सदस्य जहाँ विरोध में अभियोग आसी राज्यसभा सांसद अच्छा जो कथा तांकर भूमिका तांकर परिवार भूमिका कथा ये आसूची एक ताकू दल प्रोटेक्शन देछि दुईरे कमिशन को रिपोर्ट को सार्वजनीन करूना अर्थात विजु जनता दल कौटना कौटि स्वार्थ रही देखु मोर तो आहुरी गोटे सन्देह हूँ मुझापी चाहे ये समग्र स्वामीजी हत्या एवं शांतिप्रिय कंधमाल को अशांत करने एवं समग्र ओडिशा रे क्रिश्चियन धर्म को आहुरी बढ़ेवाई परा धर्मांतरित करने आंतर्जातिक स्तर रे षड्यंत्र एवं से जो षड्यंत्र को क्रियान्वयन कर राज्य सरकार
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କର ଲାଭରେ ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ 2008 ମସିହାରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ସେତେବେଳେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ର ସଭାପତି ଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ସେଠି କେମିତି ଦଙ୍ଗା ହେବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଜୀ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟୁହରଚନା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଏଠି କେମିତି ଈସାଇକରଣ ବଢ଼ିବ ସେ କାମକୁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଠି ରୋକ ଦେଉଥିଲେ, ଏଠି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ସେହି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପାଟରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ, ସେ କଥା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆଉ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦେଶୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ଅଛି, ବିଦେଶୀ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଏଠି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି ବା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ ସେ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ସହିତ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେଇଠି ସରିଯାଇଥିଲା ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ବି ଚାଲିଛି? ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଆଜି ବି ଯାଆନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରେ, ସେଠି ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକିରି ଆଜି ବି ସେଠି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଲୋକ ଯାଇ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯାହା ହକ୍ ଅଛି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଛିନ୍ନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ୟାଙ୍କୁ ଚୁଚୁମା ଦେଖେଇକିରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଯାହା ପାଇବା କଥା ହକ୍କୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲାଗୁଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନି, ଆଇନ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ନ୍ୟାୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସମୟ ଆଜି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ କଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏ ବନବାସୀ ଆଦିବାସୀ ନିରୀହମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଜୀ, ଏ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ ଦୋଷ କରେ ଯେତିକି ଦୋଷୀ, ଦୋଷକୁ ଯିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୋଷୀ। ସେହି ପରିଣାମ ସଦୃଶ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଠଗଡ଼ରେ ଠିଆ କରାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରେ ନାହାନ୍ତି, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରେ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ରାଜୀବ ବାବୁ, ଫାଇନାଲ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2008 କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସିଆଲି ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା, ଏ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ଯେ ୟା ପଛରେ, କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନେରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାର ପଛରେ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା। ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଇଏ କେବଳ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା ତା'ର ଇଏ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା ନା ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଛି ଯେ 2008 କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାର ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୋଷୀ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ୟାର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ହେବା ଦରକାର, ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଦରକାର? ରାଜୀବ ବାବୁ, ଫାଇନାଲ କମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିବି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଖାଲି କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଧର୍ଷଣ ଏବଂ ମର୍ଡର ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର, ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଦରକାର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନିହାତି ରୂପେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ସେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୁମରାହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଆଉ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମମିତା ମେହରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା,
ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମହାଲିଂ କଲେଜରେ ସେଠି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି, ସେ ତଦନ୍ତ ଜଲ୍ଦି କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଝିଅର ବାପା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର ନାଁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ହତ୍ୟା ପଛରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ରଖାଯାଉ କାଲି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ, ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଠାକାର ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ମହାଲିଂ କଲେଜରେ ଯୋଉ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲା ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ। ଆପଣ ଦାବି କରିବେନି, ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ମୂଳରୁ କହିଛୁ, ଏବେ ବି କହୁଛୁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜୀବ ବାବୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସିଏ ବି ନିରବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା, ଯେଉଁ କଥା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି, ତ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିରବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ କଥାର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବୋଲି ଆଜି ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ରାଜୀବ ବାବୁ ଏବଂ ସ୍ୱୀତ ମହେଶ ସାହୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ। ସମୟ ହୋଇଛି, ମତାନ୍ତରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।